मई मंथ में कश्मीर का वेदर कैसा होता है, तो ये देखने के लिए निकल लिए हम कश्मीर। दिल्ली एयरपोर्ट में एक अच्छी सी चाय एंड मठरी खाई हमने, एंड लाइफ में पहली बार ये एयरपोर्ट बगी में बैठा, जो कि बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए होता है। आप लोग में से कौन बैठे हो कमेंट सेक्शन में बताना। तो कुछ ही घंटों में हम पहुंच गए श्रीनगर, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो रहा था उस वक्त, दिल्ली के टेम्परेचर से बिल्कुल हाफ। तो सबसे पहले हम श्रीनगर से निकल लिए सोनमर्ग, जिसकी ठंडी ने हमें मैगी खाने पर मजबूर कर दिया, एंड रास्ते की खूबसूरती की तो क्या ही बात की जाए। गाइस मई मंथ में इतना ज्यादा बर्फ देखने को मिला कि क्या बताओ। तो सोनमर्ग में हम रुके थे इस इम्पीरियल रिजॉर्ट में, जिसका व्यू पूरा पैसा वसूल था इस रिजॉर्ट का, एंड इंटीरियर की तो क्या ही बात की जाए। विंडो से यहाँ पे काफी अच्छा व्यू आता था, मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस, अगर आप सोनमर्ग आ रहे हो तो डेफिनेटली इस इम्पीरियल रिजॉर्ट को कंसिडर करना। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट पैसा वसूल है गाइस। इस दिन बस हम आजू बाजू एक्सप्लोर किए, नेक्स्ट हमारी सुबह हुई एक प्यारा सा व्यू एंड अच्छी सी चाय के साथ। ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए थजीवास ग्लेशियर के लिए, इसका पूरा व्लॉग आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वो देख लेना एंड सब्सक्राइब फॉर